तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं वेव स्क्रैपिंग को। वेव स्क्रैपिंग हम कर रहे थे ब्यूटीफुल सूप की मदद से, तो ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम, ये हमारे सामने एक वेबसाइट का पहला पेज है, इसको मान लीजिए पहला पेज, और इसमें आपके सामने ये एलिमेंट है, पैराग्राफ एलिमेंट, ये हेडिंग एलिमेंट है, और उसके बाद एक पेज में जो चीज़ें होती वही सब यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखिए पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर आपको एंकर एलिमेंट दिख रहा है, यानी कि चार लिंक यहाँ पर अटैच हैं, और ये हमारा फॉर्म है, और ये इसमें एक बटन भी है फॉर्म में। कैसा दिख रहा है इसको देखिए, इस टाइप में दिखता है पेज मान लीजिए। अब इसको हम एक्सेस करेंगे, मतलब इस वेब पेज की चीज़ों को एक्सेस करेंगे, तो लोकल रूप से अभी इसको एक्सेस कर रहा है, कोई लाइव वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पिछली बार जो इस्तेमाल किया था, ठीक है, तो ब्यूटीफुल सूप जो हमारा क्लास था उसको एक्सेस किया था, उसको लाया गया इस पेज पर। उसके बाद हम इस फाइल को ओपन करते हैं, यहाँ से ओपन index.html एज फाइल। उसके बाद इस फाइल को, यानी इस फाइल को html, इस फाइल को हम रीड करते हैं। रीड करने के बाद जो आता है हमारे पास रीड किया हुआ, उसको एक वेरिएबल डेटा में, डेटा नाम के वेरिएबल में डाल लेते हैं। उसके बाद हम ब्यूटीफुल सूप क्लास का इस्तेमाल करते हैं और इसमें पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। ये दोनों html पार्सर, ये ज़रूरी होता है, अगर html फाइल है तो आपको html पार्सर इस्तेमाल करना। तो ये हो गया, और दूसरे पार्सर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो पार्सर बेटर नहीं होते हैं, इसकी स्पीड अच्छी होती है, इसलिए इसको इस्तेमाल किया था। तो इसके बाद यहाँ पर हमारा, इससे जो हमें आउटपुट मिलता है वो एक ऑब्जेक्ट के रूप में मिलता है, जिसका नाम दे दिया है सूप, और सूप वो फाइल है जिससे हमारा सब कुछ डेटा आ जाता है, ठीक है। और सूप क्या आता है, देखिए सूप को अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा, ये वाली कंप्लीट फाइल आ जाती है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, देखिए यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंट डॉक टाइप है वहाँ से पूरा ये कंप्लीट फाइल आ जाती है, जो कि वही फाइल है, यानी कि हमारा जो वेबसाइट है उस पर पड़ा हुआ पूरा डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इसको, ये कैसे आता है, क्योंकि हम प्रिंट करते हैं सूप को, ठीक है, जो कि हमें पार्स किया हुआ डेटा है जो मिला हुआ है। अब इसके बाद इसके अगर एंकर टैग को हम निकालते हैं, मान लीजिए इस पेज में कोई एंकर टैग पड़ा हुआ है, कोई लिंक पड़ा हुआ है, लिंक को हम खोजना चाहते हैं, ठीक है, ये सब लिंक हैं, तो लिंक को खोजने के लिए हम डॉट ए कर देते हैं, ठीक, एंकर टैग ए। अब इससे होगा क्या, लिंक तो हमारा आ जाता है, ठीक, एक लिंक आ गया हमारा, ठीक, ये एंकर एलिमेंट है, इससे हमारा एक लिंक तो आ गया, आपको लिंक दिख रहा होगा, ठीक, ये कंटेंट होता है जिसका लिंक ये। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे चार लिंक है, तो केवल एक क्यों आया, वो भी ऊपर वाला आया। इसका मतलब है ये जो आपका तरीका है सूप डॉट ए, मतलब केवल ए लिखेंगे एंकर टैग, तो ये सिंग जो पहला वाला जो एंकर एलिमेंट है वो इसी को सप्लाई करता है हमें, मतलब वही हमें दिखाता है यहाँ आउटपुट पे। तो इसका मतलब है अगर हमें चारों चाहिए होंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसके लिए एक मेथड होता है, उसका नाम है फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, ये नीचे वाला, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सब लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट रिकर्सिव टेक्स्ट यहाँ पे सब दे सकते हैं, फाइंड ऑल मेथड होता है, और इसके अंदर हम दे देते हैं उसी वैल्यू को, यानी ए जो वैल्यू है उसको दे देते हैं, ठीक। और इससे हमारा क्या हो जाएगा, चारों जो एंकर टैग हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो ए से है, यहाँ से इतना, इतने जो चारों आपको दिख रहे हैं, यानी कि अगर इनको हम यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे चार लिंक हैं, ये चारों लिंक की जानकारी हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको रन कराते हैं, यहाँ पे कुछ एरर है, हाँ एरर ये है कि यहाँ पर एक पैरेंथेसिस छूटा हुआ है। अब इसको रन कराते हैं तो देखिए ये चारों मिल गए, अब ये एक लिस्ट में नहीं आया है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहला है इतना, ठीक है, देखिए कॉमा लगा हुआ, फिर उसके बाद अगला यहाँ से यहाँ तक है, उसके बाद आपको अगला दिख रहा होगा यहाँ से ये यहाँ तक, फिर ये अगला वाला, ठीक। इस तरीके से हमारा ये चारों आपको मिल जाता है। अब मान लीजिए आप प्योरली इसका लिंक चाहते हैं, ठीक है, इसका लिंक आपको प्योर रूप में चाहिए, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका है कि हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, एक फॉर लूप चला देते हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो है ये तो हमें सारा इतना जो है ये चारों लिंक हमें दे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर लूप चलाते हैं और एक एक लिंक को हम फॉर लिंक इन, और ये इतना काफी कर लेते हैं, यही हमारे काम का है, फॉर लिंक इन सूप,
और इसके बाद यहाँ पर हम इसको बोल इसको कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट में हम क्या काम करते हैं, लिंक डॉट, एक गेट मेथड होता है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा यहाँ पर। तो गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और अंदर दे देंगे उस चीज़ को जिससे ये हमारा लिंक अटैच है, यानी कि ये वाला वैल्यू, ठीक, इसको यहाँ पर देते हैं, कोट में दे देते हैं HREF, ठीक। अब इससे क्या होगा, ये जो लिंक है ना, ये लिंक हमको मिल जाएगा इतना। इस तरीके से काम करता है, इसको रन करा के देखते हैं। तो ये देखिए आपको सब लिंक मिलेगा, ये वाला हटा, इसको थोड़ा सा इसको अभी वो कर देते हैं क्योंकि ऊपर वाली लाइन आ रही है इसको, तो इसको कमेंट में, इससे कमेंट होता है, और इसको अब रन करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्योरली आपके जो लिंक थे वो आ गए यहाँ पर, ठीक। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब अगर जैसे आपकी वेबसाइट ये है, अंदर तो कोड में ये लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको तो यहाँ कोड नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से कोड उठाना चाहते हैं तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, अगर ये लाइव वेबसाइट होती मान लीजिए, तो आपको ऐसे ही करना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है, आपको अंदर का उसका लिंक मिल जाता है, ठीक। तो ये क्या है, ये हमें देता है सभी जो एंकर टैग है सबकी वैल्यू देता है, सब एंकर टैग का डेटा मिल जाता है। उसके बाद हम यहाँ से कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, ये तो आपको फॉर लूप चलाने आता होगा, इसकी जगह पर आप सिंपली एक्स कर दीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एक्स लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्स एक एलिमेंट है जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं एक बार में यहाँ से, और एक्स की वैल्यू एक बार में कौन सी वैल्यू आती है, एंकर एलिमेंट की, यानी कि पहला जो एंकर एलिमेंट आएगा उसके अंदर हम गेट मेथड इस्तेमाल करेंगे और वहाँ से खींच लेंगे HREF जो एट्रीब्यूट की वैल्यू है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, जैसे यहाँ पर HREF के अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक। ये एट्रीब्यूट है एंकर टैग का, ये एंकर टैग है, ये इसका एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट में एक वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक। तो इसी वैल्यू को हम खींचना चाह रहे हैं, तो उसी को यहाँ से खींचा गया है इस फार्मूले से, ठीक, फॉर लूप लगा के। तो इस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। अब यहाँ पर ये क्या था, एक्सटार्ट गेट मेथड था, ठीक है, फाइंड ऑल मेथड पढ़ा। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक अंदर वाली चीज़ को अगर गेट करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे ये वाली वैल्यू, ये जो आपको लिखी ये, ठीक है, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, इसका भी एक मेथड होता है। तो इसीलिए आपको मेथड ही ज़्यादा इसमें पढ़ने पड़ेंगे, और इसमें कुछ नहीं होता है, सब सिस्टम एक ही जैसा होता है। देखिए आगे टेक्स्ट, ये आ गया टेक्स्ट, अब इसको करेंगे तो क्या होगा, इसके आगे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिसको इनर HTML बोलते हैं या कंटेंट बोलते हैं, ये वाले, ये आपको मिल जाएंगे। यहाँ से रन कराया तो देखिए अब उसके वाले अंदर वाले जो कोड, अंदर वाले नहीं जो बाहर वाले होते हैं वो मिल गए। यही आपको वेबसाइट पे भी दिखाई देते हैं, जैसे अगर इसको आप रन कराएंगे तो आपको यही सब ये दिखाई देंगे। तो इनको कैसे एक्सेस करेंगे, इसको नॉर्मली वेबसाइट पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ से हम लोग इसको क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन ऐसे आप किस तरीके से कर सकते हैं वो यहाँ पे तरीका दिया हुआ। इसका अंदर का कोड भी आ गया, इनर HTML यानी कंटेंट भी आ गया उसका, ठीक है। तो ये कंप्लीट एलिमेंट होता है, और यहाँ पर नेस्टेड एलिमेंट है ये, यहाँ पर पैराग्राफ एलिमेंट के अंदर नेस्टेड, कौन सा नेस्टेड है, ये एंकर एलिमेंट है। और एंकर एलिमेंट का क्या होता है काम, लिंक प्रोवाइड करना है एक पर्टिकुलर वर्ड पे, तो इस वर्ड पे लिंक प्रोवाइड किया जाता है। और लिंक कहाँ से, तो HREF एट्रीब्यूट होता है, इसके अंदर वैल्यू देकर लिंक प्रोवाइड किया था, जब कोई इस पर क्लिक करेगा तो ये इस वाले लिंक पे उसको पहुंचा दिया जाएगा। ऑडियो जंगल।